राखी शर्लिन की जुबानी जंग ने लिया कानूनी मोड़। कोर्ट तक पहुंची दोनों की कैट फाइट, क्या जेल जाएंगी राखी? राखी सावंत और शर्लिन चोपड़ा की जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही हैं। जहां पहले राखी सावंत ने शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया, वही अब उनकी शिकायत लेकर शर्लिन भी पुलिस थाने पहुंच गई है, वो भी राखी के खिलाफ मुकदमा दायर करने। कंप्लेंट मैंने 3 नवंबर 2022 के दिन जुहू पुलिस चौकी में राखी सावंत के खिलाफ दर्ज की थी। इसमें आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। कंप्लेंट अगेंस्ट मिस राखी सावंत रिगार्डिंग मेकिंग defamatory and belittling statements concerning our client's modesty and reputation, passing threats, thereby committing offense of criminal intimidation by way of her latest interview published on all social media platforms. केवल एक इंटरव्यू नहीं, अनेक इंटरव्यूज। इतना ही नहीं, उन्होंने तो राखी पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कह दिया कि राखी प्राइवेट इवेंट्स करती है, बुकिंग का काम भी ड्रामा क्वीन ने ले रखा है अपने हाथों में। ये गंभीर बात पुलिस स्टेशन पहुंची एक्ट्रेस और मॉडल शर्लिन चोपड़ा ने आइटम गर्ल राखी सावंत के बारे में कही है। अब आप खुद ही सुन लीजिए शर्लिन की कही हुई ये बातें। राखी सावंत ने खुद बताया कि वो प्राइवेट इवेंट्स करती हैं और प्राइवेट इवेंट्स के लिए बुकिंग्स लेती हैं। अब जरा इस मामले में थोड़ा सा पीछे जाते हैं और सुनाते हैं कि कैसे हुई थी राखी और शर्लिन की पहली मुलाकात। मेरी मुलाकात राखी सावंत से उस इवेंट में हुई। राखी सावंत ने मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगे और मैंने उनको दिए। अगले दिन राखी सावंत का कॉल आता है, वो कहती है, अरे यार शर्लिन, तेरे लिए कई सारे इवेंट क्वेरीज आते हैं मेरे पास। मैंने पूछा, राखी मेरे लिए इवेंट क्वेरीज तेरे पास क्यों आते हैं, तू कोई मैनेजर है क्या? तो उसने बोला, बात समझ, आते हैं मेरे पास इवेंट क्वेरीज, आते हैं पर्सनल इवेंट्स की बुकिंग्स मैं लेती हूँ। ये सारे आरोप सुनकर आपको भी अंदाजा तो लग गया होगा कि शर्लिन और राखी की कैच फाइट इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होने वाली, बल्कि ये तो अब दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दोनों की जुबानी बहस अब कोर्ट तक पहुँच चुकी है।